नहीं सासु को ससुराल उतो या पटपटिया साइकिल पे जा रहो है और ऊपर तेते कोला डोल लेके जा रहो साथ में। नहीं सासु के ने पूरी क्रिकेट टीम बना दी है क्रिकेट टीम और हमारी साइकिल में तो 4 पहिया है गए ना। देख दो साइकिल के और दो बैग के 4 है गए ना। अब भाई ये फोर व्हीलर गाड़ी बन गई हमारी। तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? चैनल सब्सक्राइब कर दे के रुपया आने लगा था। अभी तक तुमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दियो यार। हम तुम्हारे इतने मेहनत करके तो वीडियो बनाते हैं फिर भी तुम्हें लाइक आने का। चलो तो वीडियो करते स्टार्ट। भाई गदड़िया सब कचु कर लियो पर सेटिंग मिलवे के काए बुलावे अपने घर पे तो सेटिंग अते मिलवे बाकी घर पे मन चलो जइयो खमऊ। चोरे ऐसो का है गया मेरी सासु के। ए यार गदड़िया मेरी सेटिंग ने मिलवे के काए बुलायो मैं चलो गयो। रात का वक्त था और उसका गेट बंद था और फिर मैंने सोची अगर यह गेट खोलेंगे तो पते पत जाएंगे घर बाय नू और गांव बाय नू। फिर मैंने का करो हमारी सेटिंग के घर के बगल में ये को खम्मा है तो मैं खम्मा पे एक छड़वे लगो मैं। आओ फिर आगे का आयो आगे का हो तो यार एक पड़ोसी है पता पड़ गयो। पड़ोसी ने बाकी भैया के कहे फोन कर दे और फिर मैं खम्मा पे चढ़ो भयो ता टाइम पे जब तक पूरे गांव बाइन ने पता चले गयो। तो भैया यार गदड़िया कछु मत पूछे भी गांव बाइन ने पकड़ के ऐसी सुताई करी मेरी कछु मत पूछे भैया। और तुझे पता है गांव बाइन ने मेरी सेटिंग ते पूछी कि तुम ऐसे जानती हो तो मैं कुसेवे लगो के मेरी सेटिंग है मिलकी बताई देगी। तो तुझे पता है वो क्या बोलती है? नहीं नहीं मैं नहीं जानते चोर हुए चोरी करवे के कहाँ आए होगो। भाई ये सुन के नहीं हो मान ले दिल पे बिजली सिकर गई पैन तन पे जमीन सी के सक गई और फिर बाकी घर बाइन ने और गांव बाइन ने लगातार आधा घंटा धुआंधार धुलाई करवे के बाद में पुलिस बाइन ने दे दियो मैं। और भैया पुलिस बाइन की तो पूछे मत थाने में ले जाए के नहीं बर्फ की सिल्ली पे लटाए के नहीं उल्टा बेल्ट के जे सुताई करी भाई साहब लगातार 3 दिन आते तो उल्टा सोयो। तो भाई साहब सेटिंग चाहे कितनी रिक्वेस्ट करे बाकी घर पे मिलवे के काम मन चले जाइयो भाई साहब सेटिंग पे तो बिल्कुल ही भरोसा उठ चुको है। तो मेरी सासु के तू गयो काहे कुओ बाकी घर पे? ए यार अब मेरी कसम काहे के कह रही के लेऊ बाबू तुम्हारी कसम कोई दिक्कत नहीं आन दूंगी मैं। और मेरी सासु की मौके पे जाके बदल गई सारे अब तो चलो गए आगे तुम चलो जइयो ऐसे कमो मिलवे के काहे कुओ के घर पे। ना यार अब ना जिंदगी में जाऊं कमो भूल के बता सेटिंग बाजी पे तो भरोसा ही उठगा भैया अब ना करूं जिंदगी में सेटिंग बाजी। उठाइए ना। हेलो जीजा जी नमस्ते। अरे वाह नमस्ते साली जी नमस्ते आज कैसे याद कर ले तुमने हमें। अरे जीजा जी वो मैं यूं कह रही रक्षा बंधन है आज को जी जी ने लेके आ रहे नाई का भूरो और घेवर खाए दे के ले। अरे वाह का बात कर रही है सारी जी मैं तो कबते आए दे के कहा तैयार बैठो। हाँ तो जीजा जी फिर का सोच रहे हैं आ जाओ जल्दी आला मन्ने तुम्हारे का बुजरिया तैयार करके रख लाती है। अरे बुजरिया बुजरियन की कोई दिक्कत वाली बात ना है वो तो हम ले ही लेंगे वहाँ पे आके नहीं ठीक है हम आए भी की तैयारी करते हैं। हाँ तो जीजा जी आ जाओ फिर जल्दी है ठीक है साली जी। अरे यार गदड़िया ते हो बढ़िया काम है यार मनु ले चले यार अपनी ससुराल घुमाला यार एक आध बेत तो चोरे मेरी सासु के तो के ले ले जाऊं रे अबालत ने कोई छेड़ा कानी कर दी वहाँ पे सारी पारी तो फिर। ए यार गदड़िया बस तेने कद्दई छोटी बात है कद्दई तेने छोटी बात है तो ऐसा लग रहा हूँ मैं। अरे तू बिल्कुल ले तू भाई मैं तो ना तो मैं विश्वास कर सकता तू। ए यार गदड़िया ले तू चांद के बांधने की कसम खाए के तू यार मैं नहीं कोई छेड़ा कानी करेंगे यार। देख भाई सीधी सीधी बात है मैं तो ना ले जा रहा ठीक है गदड़िया भैया यार तेनु दिखा दे यार ऐसी बात ना है हमारे ब्याह हो गो यार कमाऊ ना कमाऊ तो मनी ले जा करेंगे तो अपनी ससुराल ऐसे ही वो तो हमारे गांव के बूढ़े बड़े ने पे मरी पड़ गई है मेरी सास के ने की नजर में ना आया तो मैं बिन के आमने सामने प्रोकत तू पर पते ही ना रिश्ते ही ना लेके आ रहे। हां चल मत मरो जा बे ले चले वो तो पापा हो। हां हां बोल काईगी कह रहो है। अरे पापा घर चलो मम्मी बुला रही है। हां लल्लू आ रहा हूं चल अपनी मम्मी ते कह दियो कपड़ा लत्ता पहन के तैयार हो जावे मामने के चलना है तेन के और तमाऊ तैयार हो जाइए सब जने हैं ठीक है पापा ठीक है जाके भाई के तू मम्मी ते तैयार हो जा रही हाल। हां चलो जा तैयार मिलियो सब के सब ठीक है पापा थैंक यू गदड़िया भैया यार अपने सिंगल ले जा दे के कहां है यार। हां अब थैंक यू मत करे अब जल्दी जाके तैयार हो जा रोड पे मिलियो तैयार है के नहीं मैं आ रहा हूं गत्ते तैयार है के और मोड़ी मोड़न ने बहुए लेके ठीक है।
1 hour later. मम्मी पापा अभी तक तो आए ना है, कब तक आ जाएंगे पापा? मन्ने मामन के घर जल्दी उतर पहुंचना है, फिर अंधेरा है, जागो नहीं तो। अरे लल्लू आ रहे होंगे। मम्मी ओ मैं तो मामन के मोड़े निके और मामा के गांव में सबन के राखी बांधे हुए, पैसा तो आ जाएंगे। अरे बांध लिए तो नू, पहुंच तो जाने पहले। हां और मम्मी फुलैया और बांध के आऊंगी सबन के। आओ बांध लियो। कह रहे कितने का दे रहे की कह रहे तेरे तो पापा अभी तक तो आए ना है। ए मम्मी पापा ने तो यूं कह दी, तुम तो तैयार रह जाओ बस में आए बे भाई हम घर। ए पति ना कब तक आबे होते हो बाप, हमें यहां तैयार करवा के बेटा दे पे लई। अरे वाह तैयार है के बेटे आज तो सब की सब। हां हम तो तैयार है गए, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम का करते रह गए अब तक? अरे भाई बीरपाल के ट्यूबवेल पे नहा धो के नहीं आया हूं, और देख बीरपाल पे इतने कोटे मांग लाया हूं, बाकी ससुराल जा के कहां है? और हां बाकी चश्मा और ले आया हूं, देख कैसा लग रहा हूं मैं? हां एकदम में मालूम का लग रहा है। अब चलो हां तो चलो फिर। सास को ससुराल तो यार फटाफटिया साइकिल पे जा रहो है, और ऊपर ते ते को औलाद और लेके जा रहो साथ में। सास को ने पूरी क्रिकेट टीम बना दी है, क्रिकेट टीम। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ आरानी पे कछु गाड़ी करके ले जाओ चार पहिया की, पर यहाँ देखो मेरी सास हो गया साइकिल पे सबन ने एडजस्ट करके ले जा रहा है। मैं तो घर ही रहता तो बढ़िया रहता, गलत फंस गए आगे सिंगल में आए क्या नहीं? मेरी तो कुआरी ले जाते हैं मोड़ी मोड़न में सिंगल ले जाता, मैं एक आध औलाद घर ना रहते नहीं मैं। अब देख ये दुद्ध है तो गोदी में धर के ले जाने पर रहे हैं, एक आध औलाद पे जिना मरी पत्ते का घर ही रह जाबे, पर ना बे तो मामन के घर जाबेंगे, मामन के घर रखिए लपक लूड़े। और इनके हर साल के तीन का एक गाड़ी ले लूं चार पहिया की, बामे चले जा करेंगे आरामी से बैठ के नहीं, पर ना काकन ना गाड़ी लेके नहीं। तू लोग जे बता राम डकेली, जब या दो पहिया की साइकिल पे सब जने एडजस्ट होके जा रहे हैं तो चार पहिया की लेबे की का जरूरत पड़ रही है? और हमारी साइकिल में तो चार पहिया है गए ना, देख दो साइकिल के और दो बैग के चार है गए ना। अब ये फोर व्हीलर गाड़ी बन गई हमारी। हाँ मेरी सास के बन गई फोर व्हीलर गाड़ी, या बैग के अगर पहिया निकल गए ना तो दोनों की चटनी सी बन जाएगी हमारी, पीछे मोपोटर रहते रहेंगे। अरे तू का कह रहा है तोता, पीछे तो यार नहीं समझ में ना आ रही। अरे ना ना कछु ना कह रहा है, यूं कह रहा हूं बहुत मजा आ रहा है, ले चले आराम से तू तो ऐसे ही ऐसे। अरे तोता तो ना पते का यार, ससुराल जाते तो ऐसे ही मजा आते हैं, भाई बजे ते कह रहा हूं तू और कर ले तो हुए मजा आ जा करेगा ससुराल जा करेगा तई। और हां ससुराल में खातिरदारी होते वो अलग, हां तो तू करे ना अपनी सास पास होते बात ते तो सारी होते है ना, बाकी सिंह करवा दे मेरा ब्याह का दिक्कत है। हां ला देख तू जाके बात कर तू सासु मां ते। अरे ना मैं अपनी बहन को ब्याह ना करन दूं यहां गांव में, अब वो तो नहीं गलत तो फंस गई, मेरी मती मारी गई से मेरा तमन ते ब्याह कर लो यहां गांव में, तो का मेरी सासु की भाई अमेरिका में पहुंचा देगी भाई, कन्नो तो गोवर कूरो ही है कितों ब्याह हो जा रहा तो। हां अब जीव मन चलाओ या साइकिल ले चलो चुपचाप आगे देख के नहीं, नहीं तो कुछ चटनी सी बट जाओ आगे देख ट्रक ट्रक आएगा तो। आज तो भाई साहब मजे आ जाएंगे ससुराल में, सारे इनते मजे ले रहे हो, मैं तो जाके नहीं। गदड़िया ऐसी तैसी है गई यार, जल्दी ले चले अब। ठीक है रे तोता ले चल रहे हूँ। सासू अम्मा राम राम। अरे लल्लू राम 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 राम, आए पहुँचे? हाँ सासू माँ आ गए। अरे यो लाली ने का बंद करके आ जा, ते जीजा आ गए इनके कहाँ पानी पानी दे दे। जीजा जी नमस्ते। अरे नमस्ते साली जी नमस्ते, अभी ते मोए मते फारो बाला खा लियो, गेवरे का दिक्कत है? गेवरे के कहाँ तेल तेल तैयार करके बैठी हूँ अपने मोए। अरे ना जीजा जी ऐसी बात ना है, मैं तो ये क्रिकेट टीम देख रहे हो तो क्रिकेट टीम बना डाली पूरी जीजा जी ने। अरे ऐसी बात ना है सारी जी, अभी तो आठ नौ महीना लगो है, एक और प्रोसेसिंग में चल रहा है। जीजा जी अभी एक और फॉर्म भर रहा है तुमने? अरे हाँ साली जी पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, मिल जाएगा सरकार की तरफ आते आरामी से पहले फूट के बैठ आ करेंगे बामे सब के सब। तो बढ़िया काम है जीजा जी तुम्हारे। अरे लाली अब बात चीत ही कतरे रहेगी, इनते पानी पानी दे दे इनके कहा। ठीक है मम्मी जीजा जी मैं पानी लेके आ रही हूँ, तो बैठ जाओ खाट पे। अरे साली जी पानी पानी तो आत रहेगा आरामी से, तुम हमारे पास बैठो, तुमने बिना हमारा मन नहीं लगेगा यहाँ पे। ए जी सुन रहे हैं तुम बात चीत कर लो आरामी से बैठ के बतरा लो, जब तक मैं गांव में राखी बांधे आती हूँ सब भैया के अपने। आओ ठीक है बांधिया। हाँ तो भाई साहब राखी पाकी तो बनते रहेंगी, तो मन्ने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दियो लाइक, एक प्यारी सी कर दियो कमेंट, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर दियो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।